तो दोस्तों आज ऐसे बेहतरीन पेनी स्टॉक लेकर आया हूँ जो कि फाइनेंस सेक्टर का पेनी स्टॉक है, ऑलमोस्ट डेबिट फ्री पेनी स्टॉक है। और ये जो पेनी स्टॉक है जो कि अदानी विल्मर को भी पीछे छोड़ देगा, पेनी स्टॉक काफ़ी वेटेज होने वाला है। तो चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूले ताकि डेली बेसिस पर आप कोई पेनी स्टॉक को मिस ना कर पाए। इस पेनी स्टॉक की बात करें तो अभी के समय में पेनी स्टॉक 1 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है और इस पेनी स्टॉक की फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात करें तो 0.65% का ब्रेकआउट लगा चुका वन डे में जो कि वोलेटिलिटी में देखने को मिला। और इस पेनी स्टॉक की पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में पेनी स्टॉक 123% का ब्रेकआउट दिया और 6 मंथ में इस पेनी स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल 2 टाइम्स देखने को मिला। फर्स्ट टाइम इस पेनी स्टॉक का सपोर्ट लेवल हाई वोलेटिलिटी की बात करें तो 1.82% इसका फर्स्ट हाई वोलेटिलिटी देखने को मिला और सेकेंड टाइम्स हाई वोलेटिलिटी की बात करें इस पेनी स्टॉक की तो 1.77 है। और 6 मंथ पहले जो पेनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा था 0.69 पैसा पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 6 मंथ में इस पेनी स्टॉक का सपोर्ट लेवल काफ़ी ऊपर तक देखने को मिला। अब जिस पेनी स्टॉक की मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट में पेनी स्टॉक 7600% का रिटर्न दिया है, यानी कि मैक्सिमम चार्ट में पेनी स्टॉक मल्टी बायगर स्टॉक्स की तरह अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया। यानी कि इस पेनी स्टॉक की फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात करें चाहे 1 डे की, 5 डे की, 1 मंथ की, 6 मंथ, ईयर्स की, मैक्सिमम की, सभी में पेनी स्टॉक लगातार अपने शेयर होल्डर को ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट ही दिया है। और ये जो पेनी स्टॉक है मार्केट लिस्टिंग की बात करें तो मात्र 0.020 पैसा पर लिस्टिंग हुआ था 2003 में। और इस पेनी स्टॉक का फर्स्ट टाइम जो हाई सबसे हाई सपोर्ट लेवल की बात करें इस पेनी स्टॉक की जो कि 16 रुपीज के लेवल के आसपास इस पेनी स्टॉक का हाई सपोर्ट लेवल बना था, फिर ये पेनी स्टॉक नीचे के रेंज में अभी के समय वोलेटिलिटी में ही चल रहा है। और ये जो पेनी स्टॉक है आज के दिनों में मार्केट ओपन इंडिया की बात करें तो 1.59 पैसा पर मार्केट ओपन हुआ था, हाई की बात करें 1.60, लो की बात करें 1.52 है, मार्केट कैप की बात करें 100.50 करोड़ है, फिर ई रेशियो की बात करें 190.01 है। वहीं पर इस पेनी स्टॉक की 52 वीक की हाई CDP स्कोर की बात करें तो 1.85 इस पेनी स्टॉक की हाई CDP और लो CDP की बात करें तो 0.21 इस पेनी स्टॉक की लो CDP है। ओवरऑल बात करें तो ये जो पेनी स्टॉक है जो कि अपने शेयर होल्डर को मल्टी बायगर स्टॉक्स की तरह रिटर्न दे रहा है, यानी कि ये जो पेनी स्टॉक है इसका टारगेट भी काफ़ी ऊपर हो सकता है जो कि अपने शेयर होल्डर को बड़ा से बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है ये पेनी स्टॉक। अब जो इस पेनी स्टॉक की बात करेंगे थोड़ा डीप वी पॉइंट के बारे में, यानी कि पेनी स्टॉक की कैपेसिटी यानी कि मार्केट कैप के बारे में, पेनी स्टॉक 100 करोड़ पेनी स्टॉक की मार्केट कैपेसिटी है जो कि सॉलिड फेज में देखने को मिला। करेंट प्राइस की बात करें जो अभी के समय में ट्रेड कर रहा है मात्र 1.54 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, 52 वीक की हाई की बात करें 1.85 और 52 वीक की लो की बात करें 0.21 है। वहीं पर इस पेनी स्टॉक की स्टॉक एंड PE रेशियो की बात करें तो 120 है और बुक वैल्यू की बात करें पेनी स्टॉक पहले से मार्केट में 0.83 टाइम्स से पेनी स्टॉक बुक वैल्यू हो चुका है। डिविडेंड की बात करें तो 0% है, ROCE की बात करें -2.90% है और इस पेनी स्टॉक की ROE की बात करें तो -2.91 है और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज के लेवल के आसपास इस पेनी स्टॉक का फेस वैल्यू रखा गया है, यानी कि इस पेनी स्टॉक में की टर्म्स भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस पेनी स्टॉक का जो छोटा छोटा टर्म्स की बात करें यानी कि इस कंपनी के ऊपर डेबिट है या नहीं, कंपनी हैज रिड्यूस डेबिट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेबिट फ्री, यानी कि पेनी स्टॉक के ऊपर 0 रुपया भी डेबिट नहीं है, यानी कि पेनी स्टॉक के ऊपर न किसी का प्रेशर है न किसी का दबाव है, कंपनी स्वतंत्र है, यानी कि पेनी स्टॉक में जो भी इन्वेस्टर पहले से बाय किए हैं या अभी भी बाय करेगा उसको अच्छा से अच्छा रिटर्न ही मिलेगा क्योंकि कंपनी के ऊपर ना कोई प्रेशर है ना कोई दबाव है। अब जो पेनी स्टॉक का जो नाम है मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, देख सकते हैं बायोगेन फार्माचैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि काफ़ी वेटेज और दिग्गज कंपनी मात्र 1 रुपीज पर अभी के समय में ट्रेड कर रहा है। यदि आप 100 क्वांटिटी भी पेनी स्टॉक में यदि बाय कर लेते हैं, यदि मात्र 100 रुपया भी निवेश करते हैं तो 100 क्वांटिटी ऐसे ही बाय हो जाएगा। आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए 6 मंथ या 1 ईयर्स भी होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब ब्रोकरेज ने इस पेनी स्टॉक पर जो दावा दिया टारगेट का, जो 6 मंथ में पेनी स्टॉक 23 रुपीज से 28 रुपीज के बीच देखने को मिल सकता है
जो कि ब्रोकरेज ने स्पेनिश स्टॉक के ऊपर दावा दिया है। तो स्पेनिश स्टॉक काफ़ी वेटेज है, इसलिए स्पेनिश स्टॉक को मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए स्पेनिश स्टॉक में होल्ड कीजिए, क्योंकि स्पेनिश स्टॉक काफ़ी वेटेज और दिग्गज स्पेनिश स्टॉक हैं।